मेरी हर एक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने वास्ते मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ और ऑल ते जरूर क्लिक करो, ता ही हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंचेगी। आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल बलजीत सिंह दिल्ली के उत्ते बहुत बहुत स्वागत है। अज मैं अरदास करा जिहड़ी नवी मूवी आई है वह मैं वेख के आया हाँ, तो मेरा जी किया कि कुछ गल्लां उस मूवी के बारे दे विच मैं तुहाडे नाल जरूर सांझियां करा। मूवी जिहड़ी है उन्हूं मैं 100% गुरमत के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ गल्लां मूवी दे विच ऐसियां भी विखाइया गई ने जिहड़ियां मनमत खिलारदियां ने। तो ज़्यादातर मूवी जिहड़ी है इंज कह लो कि 75-80% मूवी जिहड़ी है गुरमत के अकॉर्डिंग जेकर वेखीए तां बहुत वधिया, कुछ अच्छे मैसेज भी मूवी दे विच दित्ते गए ने। तो 20% जिहड़ा मैं छड्डिया है उहदे विच इंज कह लो कि मनमत भी जिहड़ी है वह खिलारी गई है, मनमत का प्रचार भी किया गया है। तो 80% असी इंज कह सकते हैं कि गुरमत का प्रचार भी किया गया है। जदों असी अरदास की गल करते हाँ, मूवी का नाम है अरदास करा, जदों असी अरदास की करते हाँ गल तो गुरमत के नज़रिए अरदास वेखते हाँ, तो अरदास का अर्थ जिहड़ा सीधा साधा बनता है ना, वो बनता है आपा समर्पित करना चंगे गुणा के अगे, सच्चे ज्ञान के अगे, कुदरत दे निजमां दे अगे आपा समर्पित करके ते अपनी जिंदगी नू बतीत करना। ठीक है ना, अरदास दा अर्थ गुरमत दे वेच केवल इदां दा नहीं है कि बस कई जाना भी एक पुजारी वाला रब कोई मन्निया होया है जिहड़ा आसमान ते बैठा होया है ते उन्हूं बस कई जा रहे हैं भी साढ़े आह कम करते। गुरमत दे वेच किते भी अरदास दा अर्थ ये नहीं है। हाँ, वो गल वक्री है कि जिन्हां लोगों ने एक पुजारी वाला रब घड़िया उन्होंने इस तरह दियां अरदासां भी पुजारी वाले रब दे अगे करनियां शुरू कर दित्तियां, पर गुरमत ना पुजारी वाले रब नूं मंदी है ते ना इहो जिहियां अरदासां नूं मंदी है। गुरमत विच जिथे भी अरदास की गल आवेगी उत्थे अरदास का अर्थ होवेगा आपा समर्पित करना। सो इस मूवी दे विच भी किते किते अरदास दा जो अर्थ है वह इस तरीके दे नाल लिया गया है कि आपा समर्पित करन वाले पासे नूं तुरना, ते किते किते इस तरह का भी लिया गया है कि उही पुजारी वाले रब दे अगे तुसीं अरदास करो ते ओ हो सकदा शायद तुहाडे कम किते सवार दवे। ठीक है ना, मतलब इस तरीके दे नाल भी पेश किया गया है, दोगली जी गल जिहड़ी है वह विखाई गई है। सो इस फिल्म दे विच जिहड़े अच्छे मैसेज ने वह भी मैं तुहाडे नाल सांझे कर दिंदा, ते जिहड़ियां कुछ मनमत्तां इहदे विच विखाईआं गईआं ने वह भी मैं तुहाडे नाल सांझीआं कर दिंदा। मेरा मकसद इत्थे फिल्म की स्टोरी तुहानू सुनाउणा नहीं है, जे तुसीं फिल्म की स्टोरी के बारे दे विच जानना चाहुंदे हो तो वह तुसीं मूवी वेख के भी जाण सकदे हो, पर एक गल मैं जरूर इत्थे सांझी करनी चाहवांगा कि इस मूवी दे विच जिहड़ा सब तो मेन पॉइंट है ना वह यह है भी एक बंदे नू कैंसर होया, गुरप्रीत घुग्गी जिहड़ा है उन्हूं कैंसर विखाया गया, उन्हूं कैंसर होया ते कुछ दिन बाद उसने मर जाना, मतलब 5-6 दिनों के बाद उसने मर जाना। पर वो बंदा ये जानता है कि मैं कुछ दिन बाद मर जाना, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी किन्नी जिंदा दिली दे नाल जिउंदा है, ये चीज़ इस मूवी दे विच विखाई गई है। आम करके तुसी वेखो भी सानू सारियां नू पता है भी एक ना एक दिन असी सारियां ने मरना है, ये शरीर जिहो जिहा अज तुरदा फिरदा नज़र आ रहा है इन्हें तुरदा फिरदा नहीं रहना। लोगों ने एक दिन कह ही देना है कि यह हुण बलजीत सिंह नहीं, ये हुण डेड बॉडी है, ये अटल सच्चाई है। ठीक है ना, पर बंदा फिर भी इस चीज़ नू नहीं सोचता भी मैं एक दिन मर जाना है, तो मैं अज वाला जिहड़ा जीवन है मेरा प्रेजेंट का जिहड़ा टाइम है इनू मैं सोहणे तरीके नाल खुल के बतीत करा। ठीक है ना, कुदरत नू वेखा, कुदरत दे नज़ारे लवा, बंदा ये नहीं सोचता, यही सोची जाता है कि मेरे नाल फलाने ने माड़ा किया, मेरे नाल फलाने ने माड़ा किया, मेरे नाल फलाने ने इदां क्यों किया, मतलब गुस्से दे विच खिज के परेशान हो के टेंशन दे विच बंदा अपनी जिंदगी बतीत कर रहा है, जबकि बंदे नू अपने अगले एक साह का भी नहीं पता। गुरबाणी ने आख्या ना, हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना, अगले एक साह का नहीं पता भी अगला साह आना है
कि नहीं आना, पर फिर भी बंदा गुस्से दे वेच है, खिजिया पिया है, झगड़िया दे वेच फसिया होया है, टेंशना लैके बैठा होया है। ठीक है ना, आज तो भी 25-25 साल बाद दियां टेंशना लैके बैठा होया है। बच्चा अजे घर दे विच जन्म लैंदा है ते बाप टेंशन लैके बह जांदा है कि जदों ये 25 सालां दा होएगा ये किहड़े काम दे उत्ते लगेगा। ठीक है ना, हजे बच्चा पैदा ही होया ते उहदे विआह दीआं चिंतावां किते मां नूं लग जांदीआं ने, कोई पता नहीं कई तरह दीआं चिंतावां जिहड़ीआं ने उह लोग पाल के बह जांदे ने। अपने अज नूं नहीं जिउंदे, प्रेजेंट दे विच जिंदगी बतीत नहीं करदे, पास्ट दे विच जां फ्यूचर दे विच जिंदगी बतीत करदे ने। जिहड़े वी बंदे पास्ट ते फ्यूचर दे विच जिंदगी बतीत करनगे ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਵੇਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਬ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਚੇਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲੋਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
कि बुरे ख्याल ना आउन। हुण जिथों तक बुरे ख्यालां दी गल है वह तो हर किसी मनुख के अंदर आउंदे ही आउंदे ने, वो ख्याल रोके नहीं जा सकते, आउंदे ने। हाँ, मैं उन्हां ख्यालां दे अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी बतीत करनी है या नहीं करनी है, उन्हां ख्यालां दे नाल मैं तुरना है या नहीं तुरना है, ये डिसाइड मैं करना हुंदा है। मैं उस पासे नूं जाना है या नहीं जाना, पर जिथों तक बुरे ख्यालां दी गल, बुरे ख्याल आउण ही ना, ये पॉसीबल नहीं है। ये कोई खंडे वाला लॉकेट ये चीज़ पॉसीबल नहीं कर सकता। सो ये जिहड़ा वहम भरम फैलाया गया मूवी दे विच, ये सरासर गलत गल सी। ते जिथों तक माड़े वक्त की गल की गई है भी माड़ा वक्त ना आवे, हुण बाहरले तौर दे उत्ते तां किसी भी तरह की कोई भी घटना जिहड़ी है वह वापर सकती है। मान लो एक बंदा गड्डी दे विच बह के जा रहा, उहदा एक्सीडेंट हो जाता, तो खंडे वाला लॉकेट जिहड़ा उहनूं किवें बचा लेगा? जे बुरे वक्त की डेफिनेशन तुसीं इह लैंदे हो तो दसो खंडे वाला लॉकेट जिहड़ा है वह किवें बचा लेगा? जे एक बंदा आत्महत्या करनी चाह रहा है तो उहदी जेब दे विच मान लो खंडे वाला लॉकेट है, तो जे वह छाल मारनी चाह रहा है तो वह खंडे वाला लॉकेट उहनूं किवें बचा लेगा? ये विचारां जिहड़ियां सी मेरे भरावो बड़ियां सोचण वालियां सीगियां, पर तुसीं इत्थे आ के थोड़ी जी मार खा गए हो। इस विचार नूं तुहानूं विखाउण दी कोई लोड़ नहीं सी, पर ये चीज़ मूवी दे विच विखा के ना मूवी नूं तुसीं फिक्का कीता है। ये चीज़ ये मनमत जिहड़ी सी वह चाहिदा सी कि तुहानूं नहीं विखाणी चाहीदी। एक गल होर कि रब नूं ऊपर वाला कह के इत्थे भी पेश कीता गया मूवी दे विच, ते एक पासे ये भी कहा गया कि बलिहारी कुदरत वसिया। हुण गौर करियो किन्नी दोगली स्टेटमेंट है ना, एक पासे ऊपर वाला ते एक पासे बलिहारी कुदरत वसिया। एक पासे ये गल कहती भी रब केवल ऊपर है, ऊपर वाला है, ते एक पासे ये भी विखाता कि बलिहारी कुदरत वसिया, भी वो एको ओंकार जिहड़ा है रब जिहड़ा है वह वसिया होया है। गल तो इको ही है, वह हर पासे वसिया होया है। रब केवल कोई ऊपर वाला नहीं, केवल उपर नहीं रहिंदा, वो सारी जगह दे उत्ते ही वसिया होया है। कुदरत दे निजमां दे रूप दे विच वो हर थां दे उत्ते है। सो ये गल भी जिहड़ी है वो समझण वाली है बड़ी, पर इत्थे दोगली स्टेटमेंट जी दित्ती गई, एक थां उत्ते उहनूं ऊपर वाला कह दिता ते एक थां दे उत्ते बलिहारी कुदरत वसिया भी कह दिता है। सो इस मूवी दे विच ज्योतिष दा भी खंडन तुहानूं मिल जाएगा कि जिहड़ा ज्योतिषी विखाया गया पूरी मूवी दे विच, लास्ट दे विच अपनियां मालावां वगैरह वह भी ला के सुट दिंदा है, क्योंकि उन्हूं भी ये गल समझ आ जाती है कि ये बेकार दे चक्करां दे विच ही मैं पिया होया हाँ, तो इन्हां दे विचों निकलना कख नहीं हैगा। सो कुल मिला के 75-80% फिल्म जिहड़ी है वह बहुत वधिया मैसेज दिंदी है, तो 20% जिहड़ी आपां गल कीती है मनमत दी, वह मनमत जिहड़ी है वह फैलाई गई है। सो जे तुसीं इस मूवी नूं वेखण वास्ते जाणा है जरूर वेखण वास्ते जाओ, क्योंकि 80% मैसेज जिहड़ा है वह बहुत वधिया दिता गया है। तो जिथों तक मनमत दी गल है तो उतों सुचेत रहो, क्योंकि गुरबाणी भी ये गल कहिंदी है ना, सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए, कि चंगे गुण जिथों भी मिलन, चंगी विचार जिथों भी मिले वो ले लेनी चाहिए है, तो जे माड़ी विचार मिल रही होवे तो उन्हें छड़ देना चाहिए, औगुणा छड़ देना चाहिए। सो असी जेकर मूवी भी वेखनी है तो वो भी जड़िया चंगिया चीज़ा मिलदिया ने, जिहड़ी जिंदा दिली की गल सीख वास्ते मिलती है कि बंदा मरन वाला है पर फिर भी किन्ने सोहने ढंग अपनी जिंदगी बतीत करता है। सो उस चीज़ को असी अपने जीवन के लिया की कोशिश करिए, तो जी कोई मनमत वाली गल लगती है उन्हों आप छड़ के अगे तुरन का यतन करिए। जे तुहानू ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो नू लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, इस वीडियो नू वध तो वध शेयर कर दिओ। जिन्हां वीरां भैणां ने हजे तक मेरा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन जरूर दबा दिओ, बैल आइकन दबाउण तो बाद ऑल दे उत्ते जरूर क्लिक करिओ तां कि जदों भी कोई नवी वीडियो अपलोड होवे उसका नोटिफिकेशन तुहाडे तक जरूर पुज जावे। धन्नवाद।